नवी मुंबई दिघा एरोली की 1200 विधवा महिलाओं को आज बड़ा आधार मिलने वाला है। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने इन्हें सम्मानित करने और इनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार पाने में मदद करने का निर्णय लिया है। 29 मई को आयोजित एक समारोह के दौरान इन महिलाओं को सम्मानित करने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने एरोली विधानसभा क्षेत्र की 1200 विधवा महिलाओं को सम्मानित करने और उन्हें आधार देने का निर्णय लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय चौगुले ने बताया कि सभी महिलाएं दिघा एवं एरोली स्लम इलाके से चुनी गई है, जिन्हें 29 मई को आयोजित एक समारोह के दौरान पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों सम्मानित किया जाएगा। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने कहा कि यह पहल विधवा महिलाओं को खुशहाली और आधार देने की एक कोशिश है। हमने जो फॉर्म भर के लिया हुआ है, मेरे ख्याल से 1200 महिलाओं का हमने फॉर्म भर के लिया हुआ है और 1200 महिलाओं को हम इन्वाइट कर रहे हैं उस दिन, और उस दिन उनका हम लोग एक सम्मान करके लाए। सम्मान करके जो आगे उनको जो तकलीफें नहीं आना चाहिए उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, और हमारा मेरा ज़्यादा फोकस तो इसके ऊपर है कि उसमें उनका एजुकेशन और आरोग्य, ये दो, हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो विषय के उनके, उनको तकलीफ भी आए तो भी वो एक फ़ोन भी करेंगे तो भी हम उनके साथ में खड़ा रहेंगे, ऐसा हमने संकल्प बनाया। इसमें हम लोग एकनाथ शिंदे साहब को बुलाए, पालक मंत्री, और खास राजन विचारे साहब रहेंगे, नाटा साहब रहेंगे, और राहुल गढ़पाल सर जो मुंबई सप्लाई के उनके संपादक हैं वो रहने वाले हैं, उनको हमने इन्वाइट किया। शिवसेना नेता ने कहा कि स्लम इलाके की अधिकांश विधवा महिलाएं आर्थिक तंगी में है, ऐसे में उनके बच्चों को 1800 रुपए का अनुदान दिलाने की भी तैयारी है ताकि वे सहारा बन सके और जीवन यापन के लिए तैयार हो सके। आज तक है ना, हमारी योजना बहुत आती है, हम लोग योजनाएं बहुत करते हैं, नगर पालिका में भी योजनाएं भी बहुत आती है, मगर उन तक पहुंचते नहीं, उनके तक पहुंचाने वाले हम लोग के जैसे, हमारे जैसे लोग है आगे आके उनके तक पहुँचाने की एक जवाबदारी लेना चाहिए और वो करना चाहिए, मगर वो होता नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि एक रिकॉर्ड अपने पास में रखेंगे और उनको हर साल हम ऐसे एक दिन बुलाते जाएंगे उनके साथ में, बोलते क्या तकलीफ है क्या नहीं। देखो हर एक बात ऐसे थे कि हमारे मराठी में मन है सर्व सॉन्ग करता है तो अपन पैसे से सॉन्ग करता है इतने, ये उनके ऊपर बहुत बढ़िया। इसलिए हम लोग ने जो महाराष्ट्र शासन की जो स्कीम है 18 साल के अंदर के बच्चे लोगों को मंथली 1800 रुपये उनको एजुकेशन के लिए उनको बच्चे लोगों को देना, वो स्कीम में हम लोग उस दिन मेरे ख्याल से आज हमारे पास पूरे विधवाओं के बच्चों की जो हमने लिस्ट निकालने को ली है तो उसके अंदर जो भी है हम लोग उस दिन 50 बच्चे लोगों को वो वितरित कर रहे हैं, और आरोग्य और उसके हिसाब से जो कार्ड देना है हमको वो कार्ड, आरोग्य कार्ड हम देने का हम लोग कोशिश करने वाले हैं। देखो अभी क्या है कि हम ये जो शुरुआत करेंगे तो सब लोग जुड़ना चालू हो जाएगा, लोगों को तो पता भी चलेगा, और हम हर वार्ड में हम लोगों ने हर वार्ड के हमारे कार्यकर्ता या लोगों को बोल के वहाँ के लोगों की हमने लिस्ट लिखाने, ज़्यादा करके मैंने फोकस स्लम में डाला है, ये मिडिल क्लास और हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके घर में किसी न किसी का कोई ना कोई तरफ से उनको आधार रहता है, मगर ये स्लम के और मिडिल क्लास लोगों के घर में ये आधार चीज़ नहीं रहते, तब उनको तकलीफें आते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतें उठाना पड़ता है। अभी मैंने मेरे सामाजिक जीवन में मैंने देखा है हमारे कोई माँ बहन उनके ऊपर जो तकलीफें आते तो जो क्या पोजीशन होती है वो हमारे ध्यान में, आगे उठ के हम नए 100% उनके काम में आ सकते हैं और कुछ ना कुछ तो उनके काम में आ सकते हैं, तो वो हमने हमारा फोकस वहाँ पर डाल दिया। रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।